राजस्थान की विधानसभा के अंदर पत्रकारों पर जिस प्रकार से पाबंदी लगाई गई है उसके विरोध के अंदर आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है जिला कलेक्टर महोदय को राज्यपाल जी के नाम पर। आज के पहले इतिहास में ऐसा कभी नहीं रहा कि विधानसभा में पत्रकारों के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई हो, लेकिन पहली बार इस प्रकार का हुआ। विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने पत्रकारों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई है, केवल दो स्थानों को छोड़कर पत्रकार जो है कहीं घूम नहीं सकते, किसी का वर्जन नहीं ले सकते, किसी की बाइट नहीं ले सकते। तो हम सब लोगों ने इसका विरोध किया है और हम चाहते हैं कि जो पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता है उस पर किसी तरह की आँच नहीं आए। जिस प्रकार से पहले सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम पुनः चालू किया जाए, उसको जो पाबंदियाँ लगाई गई है वो पाबंदियाँ वापस हटवाई जाए। उसके लिए हमने आज जिला कलेक्टर को राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है और हम पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार का जो पत्रकार हैं वो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी पत्रकार मिलकर और भी कोई निर्णय लेना होगा तो राजस्थान का जो भी निर्णय होगा या जयपुर के जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनका जो भी निर्णय होगा तो अजय मेरू प्रेस क्लब के नेतृत्व में हम सब जने उनका अनुसरण करेंगे। और भी कोई कदम उठाना पड़ेगा तो हम निश्चित रूप से कदम भी उठाएंगे। वैसे आज के पहले राजस्थान सरकार की कभी ऐसी मंशा रही नहीं है और विशेष तौर से मैं खुले रूप से कहना चाहता हूं कि जब जब भी पत्रकारों को कोई सुविधा मिली है वो अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे या कांग्रेस की सरकार थी उस समय ज़्यादा सुविधा मिली है। लेकिन आज विधानसभा में इस प्रकार से जो मीडिया के साथ कुठाराघात किया है वो कुठाराघात कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो विधानसभा अध्यक्ष महोदय जिन्होंने पाबंदियाँ लगी हैं उनको पाबंदियाँ वापस हटानी पड़ेगी।